शांति, ओम शांति दीदी जी, ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप थैंक दादा की ओर से और मधुबन निवासियों की ओर से, पावर ऑफ सकाश चैनल की ओर से और हमारे प्यारे मीठी दादियों की ओर से आपका दीदी जी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। और साथ साथ में आप सभी व्यूअर्स, ब्यूटीफुल एंजल्स, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। तो चलिए अभी हम जल्दी जल्दी भाई जी की विशेषता सुने, क्योंकि भाई जी की विशेषता सुनते सुनते तो इतना आनंद आता है और धारणा मूर्त बनने की जैसी दृढ़ता मिलती है। तो हमारी प्यारी दीदी जी के मुख कमल से हम भाई जी की विशेषता सुनते हैं। ओम शांति दीदी जी। करके हम देखेंगे कि सेंटर पर जो नई कन्या आती वही उनको मुरली सुनाती थी। तो जो बहन सुबह 4 बजे भाई साहब को चाय देने जाती थी वही उनको मुरली सुनाती थी। भाई साहब अमृत वेले ही मुरली सुन लेते थे। उसके बाद सुबह 7:30 बजे नाश्ता करते थे। सुबह 2 बजे वे उठते थे और उठते ही लिखना शुरू करते थे। दोपहर में भाई साहब लुंगी पहनते थे, खासकर गर्मी के दिनों में। रात का खाना 7:30 बजे खाते थे। दिन का भोजन 11 बजे के लगभग करते थे। उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करके उठते थे तो सारा दिन जगे रहते थे। उनका सोना बहुत कम था। फिर रात्रि क्लास 10 बजे पूरी होती थी। रात्रि क्लास में सब बहनें पेन कॉपी लेकर आती थी और सेंटर पर जो नई नई कन्याएं होती थी वही उस क्लास में मुरली सुनाती थी। बीच बीच में भाई साहब प्रश्न पूछते थे, इसका मतलब उसका मतलब क्या। तो कई बार उसी शक्ति नगर की ही और एक कन्या, कई बार उसी प्रश्न पर ही भाई साहब का क्लास भी हो जाता था। हेडिंग है शक्तिनगर की एक कन्या ब्रह्मा कुमारी लवली बहन। भाई साहब ने कैसे उसका मार्गदर्शन किया उस अनुभव को इस प्रकार व्यक्त करती हैं। बचपन में ही मुझे ज्ञान मिला, लेकिन अंगुली पकड़कर साथ ले चलने में बड़ी बहनों के साथ साथ जगदीश भाई का हाथ साथ मिला। यज्ञ में जब भाई साहब का बहुत बड़ा पार्ट और स्थान था ये मैं जानती थी। उनको मैं दूर से देखती थी। जब 10वीं क्लास पूरी की तो छुट्टियों में सेंटर पर आना, सेवा करना ये शुरू हो गया। भाई साहब ऊपर से हमें देखा करते थे। हम 4-5 बजे इकट्ठे आते थे और कोई ना कोई करुणा सेवा कर लेते थे। भाई साहब का ध्यान हमारे ऊपर रहता। उन छुट्टियों के दौरान 1-2 बार भाई साहब से ओम शांति हुई और परिचय भी हुआ। उन्होंने से मेरे पूछा कि क्या करती हो, क्या पढ़ती हो, आपका लक्ष्य क्या है आदि आदि। युक्ति से भाई साहब ने मुझे कोर्स कराया। हमारी लौकिक माता जी बंधन में थी, मुझे कहती थी तुम सेंटर पर जाकर बहनों को सेवा में सहयोग दोगी तो तुम्हारे बंधन कट जाएंगे। वे कहती थी विशेष स्थूल सेवा करोगी तो जल्दी कटेंगे। माता जी छुट्टियों में सेंटर पर भेजती थी सेवा करने के लिए। एक बार भाई साहब ऊपर से देख रहे थे। थोड़े समय के बाद उन्होंने हम बच्चों से पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो। हमने कहा इस समय तो मुरली पढ़ रहे हैं, दोपहर का समय था, बहनें सब व्यस्त थी। फिर उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने कोर्स किया है। मैंने कहा नहीं, बचपन से ही मम्मी घर में मुरली सुनाती हैं, जब छुट्टियां पड़ती हैं तो यहाँ आकर सेवा भी करती हूँ और मुरली भी पढ़ती हूँ। मैंने एक एक पाठ का कोर्स नहीं किया है, मम्मी ही कभी कभी एक पद चित्र सुनाती है बस। भाई साहब ने कहा ठीक है, आप मुरली पढ़ते हो, अच्छी बात है।
लेकिन दूसरों को समझाने के लिए आप ये कोर्स शुरू करो। भाई साहब ने कहा और हमने कोर्स कर लिया, मान लिया। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि वहाँ की सब बड़ी दीदियों से हमने कोर्स लिया। उस समय वहाँ 10 दीदियाँ थी, सभी दीदियों ने मुझे एक एक पाठ समझाया, जैसे चक्रधारी दीदी, सुधा दीदी, रानी दीदी आदि। उस समय हमें कोर्स उतना खास नहीं लगा, लेकिन जब मैं मुरली पढ़ती थी तब मुरली समझने में और उसकी गहराई में जाने में बहुत मदद मिली। हेडिंग है, भाई साहब हम कन्याओं की हर बात की जानकारी लेते थे। जब मेरी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई और छुट्टियां पड़ी तो मैंने सेंटर जाना शुरू किया। मैं जब सेंटर पर आती थी तो मीटिंग रूम में चक्रधारी दीदी से मिलकर फिर ऊपर जाती थी। उस दिन जब मैं मीटिंग रूम में गई तो भाई साहब बैठे थे और दीदी से बातें कर रहे थे। मैं उनसे ओम शांति कहकर ऊपर जाने लगी तो भाई साहब ने पूछा, अब क्या पढ़ रही हो? मैंने कहा, भाई साहब 12वीं पूरी हो गई। भाई साहब ने पूछा, आगे क्या करना है? मैंने कहा, कोई टेक्निकल कोर्स करना है। आज ही आर्किटेक्ट कोर्स का एडमिशन मिला है। भाई साहब ने पूछा, आपको कौन कौन से कोर्स के विकल्प थे? मैंने कहा, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। भाई साहब ने कहा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लिया होता तो अच्छा था, सेवा में काम आता। चलो कोई बात नहीं। ऐसा कहकर वे आप ऊपर अपने कमरे में चले गए। यह भी नहीं पता था कि आर्किटेक्ट में क्या होता है। मुझे तो 3 साल पढ़ना था, फिर सेवा केंद्र पर रहकर सेवा करने की, और कोई लक्ष्य तो मेरा था ही नहीं। लेकिन अलौकिक जीवन में भी मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, इसकी भी कोई स्पष्ट रूपरेखा मेरे पास नहीं थी। राखी पर खास सब कन्याओं को, बहनों को, माताओं को भाई साहब से मिलना होता था। माताएं भाई साहब के लिए राखी और ड्राई फ्रूट लेकर आती थी। टीचर्स बहने और कन्याएं भाई साहब के लिए राखी और टोली लाती थी। भाई साहब कन्याओं के हाथ की टोली थोड़ी खा लेते थे। राखी के दिन भाई साहब का पूरा हाथ राखियों से भर जाता था। मैं भी भाई साहब को राखी बांधकर टोली खिलाती थी। हेडिंग है, पिताजी को शांत कर समस्या का हल किया। पढ़ते समय 4-5 साल घर में विरोध रहा, उसमें भी पिताजी का बहुत कड़ा विरोध रहा। इससे मैं दुविधा में थी कि क्या करूं। एक बार मेरा लौकिक माताजी मधु चली आई बाबा से मिलने। घर पर पिताजी को बिना बताए माताजी एक पत्र रखकर चली आई थी। इसमें घर में बहुत हंगामा हो गया। पिताजी हम 4 बच्चों, 1 भाई और 3 बहनों को सेंटर पर ले आए और कहा, मेरी पत्नी को तो आपने भेज दिया है, मेरा घर तो वैसे ही आप लोगों से खराब हो गया है, इन बच्चों को आप ही संभालो। एक तरह से वे सेंटर पर अशांति फैला रहे थे। हमें आश्चर्य हुआ क्योंकि हमारे पिताजी बहुत शांत स्वभाव के थे, हम सबको बहुत प्यार करते थे। अचानक ये कैसे हो गया? उस समय सेंटर पर कोई कार्यक्रम चल रहा था। तब भाई साहब उठकर बाहर आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर गंभीरता और शालीनता से उनको बाहर लेकर गए और कहा, देखिए अभी कार्यक्रम चल रहा है, आप अभी चुप रहिए, कार्यक्रम पूरा होने के बाद आपसे बात करेंगे। इस प्रकार उनको शांत करके समस्या का हल किया। हेडिंग है, युक्ति से मुक्ति दिलाते थे। भाई साहब के पास ये एक बहुत बड़ी कला थी कि कैसे युक्तियों से चला जाए। मेरे से बड़ी जयंती बहन 18 साल की होते ही
सेंटर पर आ गई। पिताजी को उन्हें छुट्टी देनी पड़ी, लेकिन मेरे लिए समस्या थी कि मैं क्या करूं। मैं भी बड़ी बहन जैसे करूं या दोनों तरफ मिलकर चलूं, पिताजी को भी खुश रखूं और अपना अलौकिक जीवन भी आगे बढ़ाऊं। चक्रधारी दीदी ने कहा, आप नौकरी करो और क्लास में आया जाया करो। लेकिन नौकरी करने का लक्ष्य मेरा था ही नहीं, मैं तो पूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होना चाहती थी। एक दिन एक बहन ने कहा, क्यों नहीं तुम जगदीश भाई से मिलती हो, उनसे राय ले लो। उन्हीं दिनों मधुबन में धर्म सम्मेलन होने वाला था। चक्रधारी दीदी ने कहा कि तुमको 15 दिन के लिए मधुबन चलना है। तब तक मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था। 15 दिन मधुबन जाने के लिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ता था। मैंने सोचा अगर जॉब छोड़ूंगी तो दोबारा जॉब नहीं मिलेगी। उसके बाद मैंने भाई साहब के नाम से एक पत्र लिखा। उसमें ये सब लिखा कि मुझे बचपन से ये लक्ष्य है कि मैं बाबा की बनूं और सेंटर पर रहूं। यहाँ तक आज हम देखते हैं, आगे हम कल सुनेंगे। ओम शांति। हमारे साथ इतने वरिष्ठ दीदी जी भी इतना समय दे रहे हैं और हम भाग्यशाली हैं सभी ब्यूटीफुल एंजल्स के दीदी जी के मुख कमल से हम भाई जी की विशेषता सुन रहे हैं। साथ साथ में हम दीदी जी को भी धन्यवाद करेंगे। तो सभी चैट बॉक्स में थैंक्स जरूर करिएगा दीदी जी के लिए। जी दीदी जी, थैंक यू सो मच। चलिए अभी कल तक के लिए गुड नाइट, ओम शांति। और वंस अगेन दीदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे प्यारे मीठे बाप दादा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।